हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। पहले समझते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, ठीक है। परिमेय संख्याएं जो रेलवे की कोलकाता बोर्ड में इस बार भी पूछा गया एलपी टेक्नीशियन में, और बार बार इस वहां पे रिपीट होती रहता है, इसलिए इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें तभी समझ में आएगा। यदि पहले छोड़कर भाग जाएं कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले इसको ध्यान से देखें, और यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन का बटन रहता है उसको दबाएं। इससे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे वीडियो अपलोड किया जाएगा, जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। रेशनल नंबर वे सभी संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में हो, ठीक है। कर वे सभी संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में हो जहां पी और क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है। वे सभी संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में हो, ठीक है, क्या रहेगा, पी बटे क्यू के रूप में रहेगा, ठीक है। जैसे पी बटे क्यू के रूप में हो, ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में हो जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक है एवं क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो पी बटे क्यू के रूप में हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। जो पी बटे क्यू के रूप में रहेंगे उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर। फिर से एक बार चलते हैं। कर वे सभी संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में हो, ठीक है, वे सभी संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में हो जहां पी और क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ पी और क्यू क्या रहेगा, कोई पूर्णांक रहेगा एवं क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू, जो क्यू इसका हर, जिसको हम हर बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएं कहलाती है। चलिए अभी देखते हैं, जैसे जैसे क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, ठीक है, समझते हैं इसको। एग्जाम्पल जैसे मान लिया मैंने, जैसे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कह रहा कि परिमेय संख्या है वे सभी संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में हो जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक हो है एवं क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। चलिए इस अब देखिए, समझते हैं क्या क्या होगा परिमेय संख्या है। जैसे कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या, जिसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोला जाता है, क्या, ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। वह क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, पांच हो जाएगा, छह हो जाएगा, डॉट 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 क्या होगा, इंफिनिटी एन तक जाएगा, ठीक है। अब कहता है ये हो गया क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये हो गया, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होगी, सभी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या होगी, परिमेय संख्याएं होगी, ठीक है, परिमेय संख्या कैसे होगी, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे आप मान लिया जाए, कह रहे कि पी बटे क्यू के रूप में हो, मान लीजिए कि यहाँ पे फाइव है, ठीक है, क्या है, फाइव है, फाइव को यदि इसका मान हम क्या देंगे, वन देंगे, वन देंगे, ठीक है, तो क्या हो गया, ये पी बटे क्यू के रूप में हो गया, समझिए, पी बटे क्यू के रूप में हो गया, पी बटे क्यू के रूप में हो गया, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है। अब आते हैं नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, यदि प्राकृत संख्या में, ठीक है, यदि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे जीरो, वन, टू, थ्री, फोर,
फाइव सिक्स डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद में कंप्लीट रूट, ठीक है, कंप्लीट रूट, कंप्लीट रूट का मतलब क्या हुआ, यानी कि जिसका वर्ग वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता हो, कंप्लीट रूट। जैसे क्या हो जाएगा, मान लिया कि यहाँ पे हो जाएगा फोर, फोर का फोर हो गया, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों होगी परिमेय संख्या है, क्योंकि यह कंप्लीट रूट है, फोर क्या हो जाएगा, कंप्लीट रूट है, ये परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे चलिए नाइन, रूट नाइन, ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसके आगे सिक्सटीन, सिक्सटीन क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह क्या है, कंप्लीट रूट होते जा रहा है। कंप्लीट रूट का मतलब क्या है, यानी पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। जैसे यहाँ पे चार, चार का वर्गमूल कितना हो जाएगा, रूट चार, रूट चार, रूट चार का वर्गमूल कितना होगा, दो, ये क्या होगा, दो, दो को यदि यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, हर कोई एक मानिएगा, क्या हो गया, पी बटे क्यू के रूप में हो गया, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब इसके बाद यहाँ पे रूट नाइन देखते हैं, रूट नाइन, रूट नाइन को क्या आप करेंगे, रूट नाइन का वर्ग कितना होगा, थ्री, थ्री, थ्री को नीचे देखिए, हर हर जिसका एक मान लिए, क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, पी बटे क्यू के रूप में हो गया, ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में आ गया, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, रूट सिक्सटीन, ठीक है, रूट सिक्सटीन, रूट सिक्सटीन क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये भी कंप्लीट रूट है, यानी कि जितनी सारी कंप्लीट रूट होती है, ठीक है, जितनी सारी कंप्लीट रूट होती है क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे रूट अंडर वन फोर फोर फोर, ठीक है, क्या होगी, ये भी कंप्लीट रूट है, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्याएं होगी। यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं, 169, ये क्या होगी, कंप्लीट रूट होगी, कंप्लीट रूट है, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्याएं होगी। अब आते हैं दशमलव में, ठीक है, दशमलव में जैसे कि आप मान लिया जाए 0.6, ठीक है, 0.6, ये क्या हो जाएगी, ध्यान से सीखिए इसको, यहाँ पे भी देखना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। 0.6 मैंने मान लिया, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 बट्टा कितना जाए, 6/10, 10 होगा। अब इसको यदि काट दें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 5, यानी कि ये भी क्या हो गया, p बटे q के रूप में हो गया, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सीखिएगा, कह रहा है कि परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, वे सभी संख्याएं, ठीक है, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो, ठीक है, जो p बटे q के रूप में हो, वह क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। अब इसके आगे चलते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, उसको भी ध्यान से सीखिए। अब इसके बाद हम चलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अभी पढ़े परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगी, एक बार फिर से देख लीजिए, परिमेय संख्या क्या क्या हो जाती है, यहाँ पे नेचुरल नंबर हो जाएगी परिमेय संख्या है, होल नंबर हो जाएगी परिमेय संख्या है, इवन नंबर हो जाएगी परिमेय संख्या है, ठीक है, इवन नंबर हो जाएगी परिमेय संख्या है, ऑड नंबर हो जाएगी परिमेय संख्या है, ठीक है, क्या आ गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, और आगे प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, और इसके बाद इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, ये सब क्या होगी, परिमेय, ये सब क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर, इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस इवन नंबर प्लस ऑड नंबर प्लस प्राइम नंबर और प्लस इंटीजर नंबर, ठीक है, ये सब क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब इसके आगे कह रहे परिमेय संख्या रेशनल नंबर, वे सभी संख्याएं, ठीक है, ध्यान से लीजिए, एक बार और बता रहे हैं, वे सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो, और हो जहां p और q कोई पूर्णांक है, एवं q इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर नंबर, ये सब क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। कंप्लीट रूट क्या होगा, जो भी कंप्लीट रूट होगा वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट रूट भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगी। अब आते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, अब आते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में समझते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है।
अपरिमेय संख्या है, जिसने नहीं बोला था अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या है इरेशनल नंबर। एक बार फिर से यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है, डिफिनेशन को पढ़ते हैं। करे वे सभी संख्या है, ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त ना किया जाए। रेशनल नंबर में क्या था कि पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है व्यक्त ना किया जाए। कह रहा है कि वे सभी संख्या है जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, जहां पी और क्यू कोई पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है, पी और क्यू कोई पूर्णांक संख्याएं हैं, एवं क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अपरिमेय संख्या यहाँ पे क्या क्या आती है ध्यान से सीखिए। जैसे एग्जाम्पल में पाई, ठीक है, पाई का मान, पाई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 22/7, ठीक है, पाई का मान माना गया है, पाई का मान होता नहीं है, माना गया, माना गया क्या माना गया है 22/7, 22/7 का, ठीक है, दशमलव यदि हम डिवाइड करेंगे तो दशमलव अंक का रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये पाई जो होगा अपरिमेय संख्याएं होती है। पाई क्या होती है अपरिमेय संख्या, यानी कि दशमलव के बाद यदि रिपीटेशन नंबर, रिपीटेशन कोई संख्या रिपीट ना हो, रिपीट ना हो, यानी कि रिपीट का मतलब बार बार ना आता हो, ठीक है, जैसे मान लिया जाए कंप्लीट रूट उसमें था, इसमें क्या है कंप्लीट रूट ना हो, ठीक है, कंप्लीट रूट ना हो, यहाँ पे मान लिया रूट थ्री, रूट थ्री का वैल्यू कितना आता है, ठीक है, वन पॉइंट, रूट थ्री का वैल्यू देखिए 1.732 ... क्या है रिपीटेशन इसमें नहीं होता है, आगे बढ़ते जाती है, क्या है आगे ये बढ़ते जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद ई, ई का मान कितना होता है, ई का मान कितना होता है 2.27, ठीक है, 2.718, ठीक है, डॉट डॉट, ये क्या है आगे बढ़ती जाएगी, ये भी क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद साई, क्या साई, साई का मान कितना होता है, साई, साई का मान कितना होता है 1.618 डॉट डॉट समथिंग, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, इसका भी रिपीटेशन ना होता है, क्या होगी अपरिमेय संख्याएं होगी। यहाँ पे अपरिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट रूट उसमें था, इसमें कंप्लीट रूट ना हो, कंप्लीट रूट ना हो, जैसे रूट थ्री, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, ठीक है, रूट सेवन, रूट एट, रूट टेन, डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, ये सब क्या होगी अपरिमेय संख्याएं होगी। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वे सभी संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, ठीक है, उसमें तब व्यक्त किया जा सके, लेकिन इसमें क्या है व्यक्त ना किया जा सके, किया जा सके, जहां पी और क्यू कोई पूर्णांक हो, जहां पी और क्यू कोई पूर्णांक हो, और पी इज इक्वल टू, ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। चलिए अब इसके बाद में आगे चलते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, एक टॉपिक था, इसके बाद आगे चलते हैं।